हेलो गाइस, आज है डे 3 और मुझे हल्का हल्का ज़ुकाम की शिकायत हो गई है। एंड सेकेंडली आज ही हमारा प्ले होने वाला है, आई थिंक रात तक हो जाएगा। और ये मैस के कूपन्स, इस तरह से कूपन्स मिलते हैं हमें मैस में घुसने के लिए, तुम्हें दिखाता हूँ। ये मैस के कूपन जिसमें पूरा लिखा होता है, अलग अलग मिलते हैं। ये ब्रेकफास्ट का है, लंच का अलग मिलता है सभी के लिए, और डिनर का अलग मिलता है। और ये रहा फिर से वही व्यू, यहाँ पे टेंट्स में हम खाना खाएंगे, एंड दिस इज़ द व्यू। सो अगर तुम डायरेक्टली डे 3 की वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसीलिए सबसे पहले डे 1 की वीडियो देखो, फिर डे 2 की वीडियो देखो, फिर आके ये डे 3 की वीडियो देखो। उसके बाद तुम्हें हर चीज़ का पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ और क्या करने वाला हूँ। गाइस, प्ले की तैयारी आज चल रही है और थोड़ी ही देर में मैं भी रेडी हो जाऊँगा। और आज हमारा प्ले है तो हम प्ले करेंगे। और सबसे बुरा जो मुझे लग रहा है वो ये है, मेरी दाढ़ी थोड़ी देर में जाने वाली है, ये सब गायब हो जाएगा और बस इतनी सी मूछ रहेगी मेरे पास, ओरिजिनल नहीं होगी, वो भी फेक लगाएंगे, ये सब चला जाएगा। और उसके बाद हम प्ले करेंगे और जो भी जैसा भी प्ले होगा वो आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि पूरा प्ले, पूरे प्ले की वीडियो मैं सेपरेटली भी अपलोड कर दूँ, वो आप देख सकते हो। बस यही है, अभी थोड़ी सी रिहर्सल करेंगे, उसके बाद स्टेज। नर्वसनेस है कि नहीं? नहीं। चलो बढ़िया है। ये साथ में हमारे करसोग वाले आ जाएंगे। फिर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, आ रहे हैं। एक्साइटमेंट है? हाँ, इधर धोती पहनना जा रही है। और दमड़ी भाई जी, व्हाट्स अप? बाकी मैं आपको रेडी होके मिलूंगा और इसके बिना की लुक भी तुम्हें देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम है मेरे लिए, मैं ये पूरी गायब करूंगा जब से मेरे को दाढ़ी आई, उसके बाद से मास्टर मुंशी प्रेमचंद, आई एम राजेश, जानते तो हो गए आप। हां रईस, मेरी शो के लिए पहली है, मैं अमीर बंदे का किरदार निभा रहा हूं। मेरा नाम अमिताभ सिंह गुड़िया, फाउंडेशन वगैरह करके। और अगर किसी को मेरे बारे में कुछ ज्यादा जानना हो तो गूगल पे सर्च कर ले। वेट अ मिनट, हु आर यू? मेरे कैरेक्टर का नाम है राय साहब और मैं एक जज के ड्रेस में हूँ, पता नहीं लग रहा हूँ कि नहीं, पर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कम से कम 500 से 700 होटलों का मालिक। मेरे होटल में बेच रहा है डमड़ी, और ये हमारी गरीब की इसकी एक है। ये कौन होता है गरीब? क्या होता है गरीब? गरीबों को कौन लेके आया यहाँ पे? बाहर निकालो, निकालो। हम बताए 70,000 का चश्मा है, भर जाएगा तेरा। मेकअप आर्टिस्ट जो दोनों को मेकअप नहीं आता, बट स्टिल रेड पर हम जाते हैं, आ सकते हैं। हमें ब्लेंडर नहीं मिल रहे, कॉलेज वाले दो एक ब्लेंडर दिए, दो दे देते यार, अभी डालना मत सोचा, अभी दाढ़ी जाने वाली जोड़ दे रहे। साउथ इंडियन पंजाबी वो बोटी आया हुआ है।
ब्रांड लग रही तो आप रेट कर सकते हैं, आप कमेंट करो आपके खेत में चार्जिंग में भी रखो लगा के कभी भी पूछ लगा नितेश भाई पूरी पीढ़ी रंग का जूता लाना बड़ा अजीब लग रहा हूँ नहीं भाई कहाँ जा रहा है पार्टी सही लग रहे हो फौजी भाई फौजी लग रहे फौजी नहीं नहीं बच्चे हैं लंच करने हैं चलो जल्दी उड़ा दो पूरी आपने मैसअप कर दिया संजय भाई उड़ा दो आपने कर दिया है कांड कर दिया अब आपने भाई कांड हो गया है संजय भाई आपसे क्या जेठा लाल बना दिया आपने प्रेम चंद की उड़ा दो सर कुछ लगा लेगी मार्कर से बना देंगे नहीं होती है फोटो देख के पता है मेरे को इतनी सी मुझे आती है बन गया ना मुंडा देख सकते हैं दोस्तों आपके प्यारे नीतीश उर्फ हनी उर्फ ब्लू आईज हिप्नोटाइज साइलेंट ग्रीन आईज क्या हालत कर दी गई है बहुत ही दयनीय स्थिति है इस टाइम तो ये है आशीन और ये है सक्षम भैया ये दोनों मेरे को एक्टर प्रेमचंद को तैयार कर रहे हैं मुझे घर जाना है मुझे अपने घर जाना है आई एम नॉट सो हैप्पी बट तू ठीक लग रहा है अच्छा लग रहा है संजय भाई प्रेमचंद कैसे लग रहे हैं कैसा लग रहा है इसका मेकअप करना पड़ेगा दमड़ी थकान से सोए हैं वो उज्जवल है ये किट्टू है जो हमारे गरीब बने हैं क्या बन के आया था भाई क्या बन के जाऊंगा मेकअप होने के बाद हमने की थोड़ी देर प्रैक्टिस और उसके बाद हम सभी निकल गए ऑडिटोरियम की तरफ वहां जाने के बाद बैक स्टेज मैंने लिया सभी का थोड़ी देर इंटरव्यू और उसके बाद हम चढ़ गए स्टेज के ऊपर तो गाइस ये हाल कर दिया मेरा इन सभी ने इनके चारे दिखाओ सबको ये सच सच बताना गाइस ये सच सच बताना ही जेठालाल लग रहा है ना मेरे को तो मैं हिटलर की तरह लग रहा हूं पर मुझे जेठालाल लग रहा है तो नितेश भाई नर्वस हूं फर्स्ट टाइम मैं एक्ट करने जा रहा हूं ऑन स्टेज देखते हैं कैसा लगता है और कुछ देखने को तो मिल ही जाएगा और बाकी हमारे को एक्टर्स यहां बैठे हुए हैं जैसे कि मिलवाओ सबको ये उज्जवल है आपको कैसा लग रहा है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो कोई एंग्जाइटी नहीं हो रही पर मेरे को पता है कि मैं फैंस लोगों को मामले बोलूंगी और मामले को कोई बात नहीं फिर भी मैं हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट सुंदर नितेश भाई सुंदर सुंदर तो क्षितिज कैसा लग रहा है भाई प्ले से पहले कैसा लग रहा है
क्या बोलूं, बहुत भूख लगी है। दो दिन से कुछ नहीं खाया। दूसरे कट्टू भाई साहब कैसा लग रहा है आपको? आशीन तुम मत जाना यहाँ से। आशीन बस ये चिंता ही नहीं है, ना हो जाए भगवान भाई के। डबड़ी जी कैसा लग रहा है डबड़ी जी आपको? मेरी डिजी हो रही है भाई अभी। भाई डबड़ी जी, डबड़ी जी कोई नर्वसनेस कोई कुछ नहीं? तो आपकी टांगे क्यों कांप रही है दबड़ी जी? अंशिका जी आपको कैसा लग रहा है? मेरे को तो अच्छा लग रहा है, और मैं जिसका ये ब्लॉग इसकी पत्नी बनी हूँ सिर्फ रोल में, पट आगे जाऊँ। किट्टू जी कैसा लग रहा है आपको? अजी गाली दे रही है। क्या बोल रही है? ओहो क्या कह रही है? अलग कर भाई, कैसा लग रहा है बिफोर? पटी पटी है आई मीन। चलो हम दोनों ने भाग दौड़ की है, भाग दौड़ की है। लाइटनिंग वगैरह भी देख रहे हैं कि अभी मेरे कैमरा मैन बने हुए थे। Few moments later. मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस दुनिया में सभ्य कौन है? अरे सभ्य कौन? अरे सभ्य वो सूट टाई पहने मेज से बैठने संगीत से खाना खाए। नहीं तब तो दोनों को भी सभ्य कहना पड़ेगा जो सूट टाई पहने शाम के समय सड़कों पे शराब के नशे में टैंक नजर आते हैं। तो क्या बोलेंगे मैं सभ्य कहूं? वाह भाई वाह, मजा आ गया। इसी बात पर एक ड्रिंक तो बनती है। जी जरूर। ये मुंशी जी कहाँ रहे हैं? हाँ उनके बिना महफिल में मजा तो नहीं आ रहा। बंदा हाजिर है तो ना? इसे कहते हैं शैतान का नाम लिया। ओ शैतान हारे। पर हमारे पास तो ये खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे, अब कहाँ से आए थे? बात ऐसी है कि दौरा लंबा था ना तो बिल भी लंबा बना। आप तो दौरे पर गए ही नहीं थे। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो यार? बहुत भूख लगी यार। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, दो दिन हो गए कुछ नहीं खाया। मैं खाना खाकर आया, बच्चों को खिला। बच्चे तो कब का खाकर सो गए? खा लिया क्या? खिलाया हीरो और मोती को कुछ खिलाया कि नहीं? अरे आप हीरो यार लगता है आज भी भूखा रहना पड़ेगा। ए, तो क्या हुआ? रात में बंदे के में क्या कर रहा था? साहब मैं तुम्हें चारा खाने गया था। चारा खाने गए थे या चोरी करने? नहीं नहीं साहब मैं चोरी नहीं, बस थोड़ा सा ही चारा खाने गया था। एक्ट ख़त्म होने के बाद हम सभी आ जाते हैं रूम में, और हमने दोपहर में खाना नहीं खाया था तो हम उसके बाद डिनर करते हैं, और डिनर करने के बाद हम बैठ जाते हैं कॉलेज कैंपस में गिटार लेके, और फिर से हम थोड़ी देर एंजॉय करते हैं। प्ले की वीडियो है ये, सेपरेटली मैं अपलोड कर दूंगा, तुम देख लेना अगर जो भी इंटरेस्टेड होगा इसको देखने में। इसी के साथ हमारा डे 3 ख़त्म होता है, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी तुम्हें डे 4 की भी थोड़ी सी क्लिप्स देखने को मिल जाएगी नेक्स्ट व्लॉग में। सो बने रहो व्लॉग्स में, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एज यूजुअल टेक केयर एंड बाय बाय।